Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you are watching English Connection. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की शुरुआत की है मैंने. आज है डे 16. अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं टेंसेस की तरफ. टेंसेस कितने ज़रूरी हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे आप रिटन इंग्लिश के लिए सीख रहे हो, स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे हो, ग्रामर में टेंसेस का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. वैसे भी आप ग्रामर सीखते क्यों हैं, या फिर कह लीजिए इंग्लिश सीखते क्यों हैं, दो वजहें हो सकती हैं. या तो लिखने के लिए या बोलने के लिए. बोलने के लिए आप सीखते हैं ताकि आप इंग्लिश में बात कर सकें. लिखने के लिए आप सीखते हैं ताकि आप एग्जाम पास कर सकें. आप बचपन से एग्जाम पास करने के लिए सीख रहे हैं और आपने शायद एग्जाम पास भी कर लिया और शायद आपने 98 मार्क्स भी लाए हों, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पाते. उसके पीछे रीजन ये है कि आपने रट तो लिया लेकिन प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई नहीं किया, यानी कि बोलने की कोशिश नहीं की. तो होता क्या है, जैसे ही आप एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसके बाद अगले को समझते हैं तो पिछला वाला आप भूल जाते हैं. तो वो आप न भूले इसके लिए आपको रटना नहीं है, आपको समझना है और उसके साथ साथ उसे डेली यूज भी करना है. जो कॉन्सेप्ट आज आपने समझा उस पे सेंटेंसेस बोलिए, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड्स के साथ. तो जितना ही ज्यादा आप बोलेंगे वो चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने याद किया, 2 साल बाद आप भूल जाएंगे. लेकिन अगर आप ये समझ लें कि ये कैसे होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जब हम दोनों को गुणा करते हैं तब ये निकलता है. तो अगर आप इस पैटर्न को समझ लेना, तो अगर आप भूल भी गए तो आप उस तरीके से उसको फिर से बना लेंगे. तो इसलिए किसी चीज को समझना जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है गाइस. अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेंस के बारे में, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और उनके अंदर और कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद उनके अंदर हम कितने तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे. उसके बाद हम सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे इस वीडियो में. सिंपल सेंटेंसेस का मतलब होता है जिसमें क्रिया नहीं होती, यानी कि कोई काम नहीं किया जा रहा है, वो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं. तो वो शुरुआती दौर में आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझ पाएंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ब्स यूज होते हैं. तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है. आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक वीडियो में एक एक टेंस को डिटेल में समझेंगे. अभी हम समझते हैं कि टेंस है क्या और कितने प्रकार के होते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो टेंस है जिसे लोग टेंशन मानते हैं, ये टेंशन नहीं है, ये बहुत ही आसान है. क्योंकि लगभग एक पैटर्न को अगर आपने समझ लिया तो वैसा ही पैटर्न दूसरे टेंस में भी लागू होता है. ये आपको सिर्फ समझने की देरी है. अब हम इसे फैमिली ट्री की तरह समझते हैं. समझ लीजिए कि टेंस क्या है. टेंस है ग्रैंडफादर, दादाजी. इनके 3 बेटे, एक का नाम पास्ट, एक का नाम प्रेजेंट, एक का नाम फ्यूचर. पास्ट जो कि सबसे बड़ा है, अब नहीं रहा, खत्म हो गया. तो पास्ट की वो बातें होती हैं जो चीजें खत्म हो गई, अब से कोई कनेक्शन नहीं है, वो आते हैं पास्ट में. ठीक है. प्रेजेंट है जो हम अभी जी रहे हैं, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल. फ्यूचर होता है जो आगे आएगा. तो 3 ही समय की हम बात करते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. जो बीत गया, जो अभी है और जो आगे आएगा. इनकी पहचान कैसे होती है, यानी कि ये दिखते कैसे हैं. तो जो पास्ट टेंस है जिसका नाम पास्ट है, उसकी पहचान है कि उसके एंड में था, थी, थे आएगा. और जो प्रेजेंट है उसकी पहचान है, वो दिखते हैं, है, हूं, है, ऐसे वर्ड्स आते हैं. और जो फ्यूचर है वो दिखते हैं जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ऐसे है. तो आप पहचान सकते हैं कि अगर था, थी, थे की बात की तो पुरानी बात की, पास्ट की. और अगर है, हूं, है ऐसे कुछ बोल रहे हैं तो प्रेजेंट की, और गा, गी, गे बोला तो फ्यूचर की. ठीक है. ये हो गए इनके नाम और ये हो गई उनकी पहचान की वो दिखते कैसे हैं. अब आपको बता दूं कि बेसिक जो वर्ड्स यूज होते हैं पास्ट में होते हैं वॉज, वर. सिंपल सेंटेंसेस की भी बात कर रहे हैं. प्रेजेंट वाले टेंस में इज, एम, आर यूज होते हैं और फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी यूज होते हैं. ठीक है. तो दादाजी के ये 3 बेटों के नाम आपने समझ लिए. अब हम बात करते हैं इनके अपने बच्चों की. तो इन तीनों के 4-4 बेटे, 4-4 बेटे, सबके नाम सेम, लेकिन सब अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ते हैं. तो पास्ट के अगर पहले बेटे की बात करें तो वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो अपने पिता का नाम उसने जोड़ लिया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसका एक और नाम है जो कि है सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस। तो दो दो नाम है, जैसे हम भी अपना नाम रखते हैं ना दो दो, वैसे इनके भी दो दो नाम है। फिर दूसरे बेटे का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव। इनकी भी अपनी अपनी पहचान है जो मैं अभी आगे आपको बता रही हूँ। उसके बाद तीसरे बेटे का नाम है पास्ट परफेक्ट, इसका एक ही नाम है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चौथे बेटे का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर जैसा कि कंटिन्यूअस का नाम यहाँ प्रोग्रेसिव था वैसे ही पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो सब ने अपने अपने पिता का नाम लगा रखा है। तो प्रेजेंट के भी यही बेटे हैं, बस वहां पे प्रेजेंट लिख जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के बेटों का नाम हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथे बेटे का नाम हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो जैसा कि इनका नाम है सेम ना, उसी तरीके से इनके काम भी होते हैं। तो जब आप टेंसेज में उतरेंगे तो आप ये मत घबराइए कि आपको बहुत सारे टेंसेज सीखने, क्योंकि ये टोटल कितने हो गए, ये 4 3 12, आपको 12 टेंसेज के बारे में सीखना है। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आपने 4 को समझ लिया ना किसी एक टेंस में, तो वैसा ही पैटर्न उसमें भी चलता है, बस हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह अलग होती हैं। तो वो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गए 4 बेटे, तो कुल आपको 12 टेंसेस सीखने हैं। अब इन 12 टेंसेस में इन सब में 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव, दो नाम से इन्हें जाना जाता है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। अब ये मैं बता रही हूँ कि ये क्या है, अभी आपने नाम समझ लिए। एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। टेंस हैं दादाजी, इनके 3 बेटे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। इन तीनों के 4 बेटे, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबके नाम सेम, लेकिन सब अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ लगाएंगे। उसके बाद ये हो गया 12, क्योंकि तीनों का मिला के ये 12 हो गए। इन 12 के 12 टेंसेज में इन 4 तरीके के सेंटेंसेज होते हैं। सो दीज आर टेंसेज बट दीज आर सेंटेंसेज। तो सेंटेंसेज कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। अब पहचान देख लेते हैं। जो इनडेफिनिट या सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनके एंड में उन्हें आप कैसे पहचानेंगे? ता, ती, ते जैसे वर्ड्स आएंगे, जैसे कि वह खाता है, तो ता है, ता है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर बोलेंगे ता था, खाता था, तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इनकी पहचान इससे होती है, और जो उसके पहले वर्ड्स आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे बेटे की पहचान पे। रहा, रही, रहे, ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो अगर रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। रहा था, रही थी, रहे थे हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो गया, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है परफेक्ट। इसकी पहचान है चुका, चुकी, चुके, या फिर आ, ई, ए। आ, ई, ए का मतलब हो गया जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैंने खा लिया, आ, वो खा ली, ई, तो इस तरीके से इनकी पहचान है। या फिर वो खा चुकी है, वो खा चुकेगी, इस तरीके से जो आएंगे तो ये सभी परफेक्ट के सेंटेंसेस होंगे, और हम उन्हें था, थी, थे, हैं, हूँ, होगा, गी, गे के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड कर लेंगे। अब नंबर 4 है परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसकी पहचान भी यही है कि रहा, रही, रहे आएंगे जैसे कि कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन इसमें समय भी दिया होगा कि कब से ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहचान में आएंगे। अब देखिए, अब जो सेंटेंसेस आते हैं जैसे कि पॉजिटिव, अफर्मेटिव, तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो जिसमें कि न यानी कि नहीं जैसा शब्द या फिर कोई क्वेश्चन नहीं होता, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है नॉर्मल सा, जैसे वह खाता है, वह जाता है, वह नहाता है, वह खाता था, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं बोलूँ वो नहीं खाता है तो नहीं आ गया, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि क्या वह खाता है, वह क्यों खाता है, ये हो गया इंटरोगेटिव में। और नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसमें क्या है कि इसमें नहीं भी आएगा और प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो क्या बोलेंगे, क्या वह नहीं खाता है, वह क्यों नहीं खाता है, तो इसमें क्यों प्रश्न भी आ गया और नहीं नेगेटिव भी वर्ड आ गया, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो इस चार तरीके के सेंटेंसेस इन टेंसेस के अंतर्गत आते हैं। अब ये बात हो गई कि जैसा कि मैंने कहा कि आप रट लें, तो तातीते रहा रही है रट लेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप पैटर्न को समझेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तो पैटर्न अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें हम बार बार की हुई चीज़ों को ले आते हैं। मतलब कि वो काम अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे मतलब नहीं, होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो मोस्टली आप हैबिट या फिर रूटीन के बारे में जब बताते हैं तब आप ये टेंस यूज़ करते हैं। अब अगला है कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, जिसका मतलब मैंने बता दिया कि आप पहचानेंगे रहा रही रहे से, तो ये आप नाम से समझिए कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कि लगातार। प्रोग्रेसिव ये भी लगातार के लिए यूज होता है, तो जो काम उस वक्त पर हो रहा है, जिस समय की आप बात कर रहे हैं वो उसी समय पे हो रहा है, तब ये वाला टेंस यूज होता है। और परफेक्ट टेंस नाम से समझिए परफेक्ट, मतलब परफेक्ट हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, ये काम पूरा हो चुका है, तो ऐसे चीज़ों में आप इन्हें यूज़ करते हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि किसी समय से शुरू हुआ है और अभी भी हो रहा है या जस्ट अभी अभी ख़त्म हो रहा है, ऐसे में ये टेंस यूज़ होता है। अब आपने समझ लिया कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, टेंसेस के अंदर और कितने टाइप्स होते हैं और उसके अंदर कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को कवर करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस से मेरा मतलब मैंने पहले भी बताया, जिसमें वर्ब नहीं हो, तो बिना वर्ब वाले सेंटेंसेस को सबसे पहले हम यहाँ सीखने वाले हैं। सो गाइस, आप सीखते हैं सिंपल सेंटेंसेस, और इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो बेसिक स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये है, और मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये प्रोनाउंस है, इसके अलावा अगर किसी का नाम आता है तो वो नाउन कहलाएंगे। ये दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, तो इसे दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, कैटेगरी ए और बी। तो ए में आते हैं सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, आई, यू, ही, शी, इट, ये सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि एक वचन, किसी एक पर्सन के लिए यूज होते हैं। बी कैटेगरी में पी फॉर प्लूरल, और ये है वी, यू, दे, तो वी यानी कि एक से ज्यादा लोग, यू और यू, यहाँ आप देखेंगे कि यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक लोगों की बात करें तो यू बोलेंगे, एक से ज्यादा लोगों को अगर आप तुम या फिर आप एक ही संबोधित कर रहे हैं तो भी आप यू का यूज करेंगे। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। और दे का मतलब होता है वे, यानी कि एक से ज्यादा लोग। उसके अलावा अगर किसी एक इंसान का नाम लेके आप बात कर रहे हैं तो सिंगुलर हो गया, और अगर दो लोगों का एक साथ नाम ले रहे हैं या फिर तीन लोगों का ले रहे हैं तो वो प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इनके साथ जो ये वर्ड्स आती है इसी के लिए आपका जानना जरूरी है। तो वॉज क्या है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर क्या है, प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। इज सिंगुलर के लिए एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, और आर प्लूरल के लिए। विल बी, शैल बी दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो ये है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, फिर वर्ब। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होते, तो वो वर्ब नहीं होते जिसमें क्रिया होती है, जैसे कि आना, जाना, खाना, रहना, यहाँ पे ये वर्ब्स यूज होंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, लेकिन यहाँ एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं होते। वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा, तो जब कोई मेन क्रिया नहीं है तो ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, और जब मेन क्रिया होती है तो यही हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट फिर वर्ड फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गए जिस पर काम हो रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ड के बाद जो चीजें हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो आएंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से है, उसके बाद वर्ड के बाद एक नॉट ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, जैसे आप नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव, वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। फिर आते हैं इंटरोगेटिव पे। तो इंटरोगेटिव पे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब पहले आ गया, तो सबसे पहले वर्ब कर देंगे। तो ये कौन से इंटरोगेटिव बनते हैं जिसमें हम इस तरीके से पूछते हैं कि क्या वो बीमार है, तो जवाब आएगा हाँ या ना। तो हाँ ना वाले जिसमें जवाब आते हैं यानी यस नो क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो इस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। और उसके अलावा दो तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं। तो ये हो गया दूसरा नंबर इंटरोगेटिव का, जिसमें कि हम एक क्वेश्चन वर्ड ऐड करते हैं, वो क्यों बीमार है। तो क्यों ऐड किया, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो अगर क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस में जिसमें हम सिर्फ हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, कुछ और हमें बताना पड़ेगा, तो उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि क्वेश्चन वाले में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, इसी से पता चलता है कि सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट के पहले इसमें भी वर्ब और क्वेश्चन वर्ड वाले में भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम समझते चलते हैं, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस के लिए सेंटेंसेस। मैं बीमार थी, तो मैं के लिए हो गया आई, थी के लिए वॉज, क्योंकि वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है तो आई के साथ वॉज, और बीमार के लिए इल, आई वॉज इल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आते हैं नेगेटिव में। यहाँ मैं बोल रही हूँ मैं बीमार नहीं थी, नहीं बोला, नेगेटिव सेंटेंस है। ये स्ट्रक्चर चलेगा सब्जेक्ट आई, वर्ब आई के साथ वॉज, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है इल। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, कौन सा, यस नो इंटरोगेटिव, ठीक है, जिसमें हाँ ना में जवाब मिलेगा। क्या तुम बीमार थी, तो क्या बोलोगे, या हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। क्या तुम बीमार थी, तो ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा, सबसे पहले वर्ब आ जाएगा। तो तुम है ना सब्जेक्ट, तो तुम यहाँ भले ही सिंगुलर है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि यू के साथ वर्ड आता है, वॉज नहीं आता, चाहे सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की बात करें। तो यहाँ पे तुम के साथ वर्ड आएगा, तो यहाँ पे हुआ वर्ड, फिर यू, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट इल, वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ड, यू, इल। अब अगला देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तुम क्यों बीमार थी, तुम क्यों बीमार थी, तो क्यों पूछा गया सबसे पहले, ये पैटर्न चलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इंग्लिश व्हाई, फिर क्या आएगा वर्ड। यहाँ वर्ड क्या आनी चाहिए, तुम के साथ वर्ड ही आएगा, व्हाई वर्ड यू, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट इल, व्हाई वर्ड यू इल। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यू के साथ हम वर्ड ही यूज करेंगे, चाहे यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसी तरीके से प्रेजेंट में जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम देखेंगे कि यू के साथ आर ही यूज होगा, भले ही यू हम सिंगुलर के लिए यूज करें। तो यू एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में थोड़ा आप अच्छे से समझ लीजिए कि यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ प्लूरल वाली ही वर्ब आती है हमेशा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट के सेंटेंसेस। और सबसे पहले पॉजिटिव, मैं खुश हूं, तो ये वाला चलेगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं के लिए आई, और प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं हम एम, आई एम हैप्पी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर तुम खुश नहीं हो, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर चलेगा यू, यू के साथ मैंने बताया कि इज नहीं आएगा, आर ही आएगा, यू आर, फिर नॉट, फिर हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। क्या तुम खुश हो, ये यस नो क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब मिलेगा। क्या तुम खुश हो, तो कैसे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा इसमें, ये वाला जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, सबसे पहले वर्ड, यू के साथ आर आता है, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। नेक्स्ट इज तुम क्यों खुश हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो ये स्ट्रक्चर चलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद उसके पहले वाले सेंटेंस का पैटर्न भी देख सकते हैं जो है वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, क्लियर। अब हम बात करेंगे फ्यूचर के सेंटेंसेस की, जिसमें कि गा की गे से आप पहचान सकते हैं, और यहाँ यूज करेंगे विल बी और शैल बी। मैं खुश होऊंगी या होंगी, आई कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, वो स्ट्रक्चर चलेगा। फिर वर्ड क्या है, शैल बी। आई और वी के साथ शैल, उसके अलावा सबके साथ विल का यूज होता है। आई शैल बी हैप्पी। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ विल का भी यूज करते हैं तो वो भी गलत नहीं है। ये सब मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। शुरू के यानी कि डे 1 से लेके डे 5 तक आपको बेसिक वर्ड्स के बारे में मैंने बताया है। उसमें आप इन सभी वर्ड के बारे में बहुत ही डिटेल में जान पाएंगे, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप इस सीरीज के हर एक पार्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज तुम खुश नहीं होगे। नहीं, नेगेटिव हो गया ना, तो कौन सा पैटर्न आएगा, ये वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर वर्ड प्लस नॉट है, लेकिन विल और बी, जब दो वर्ड के ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहां पे आप उन्हें सेपरेट कर देते हैं और बन जाता है विल नॉट बी। तो नॉट कहाँ आया, बीच में। जब आप सेपरेट यानी कि अलग से इन पर वीडियोस पाएंगे तो ये सब आप डिटेल में वहां समझेंगे। यू विल नॉट बी हैप्पी, यहाँ पे आप यू विल बी नॉट हैप्पी नहीं बोल सकते, तो नॉट बीच में आएगा। नेक्स्ट इज क्या तुम खुश होगे। क्या क्या से शुरुआत हुई, तो यहाँ पे किससे शुरुआत होगी, वर्ड से डायरेक्ट। विल यू बी हैप्पी, तो विल और बी यहाँ सेपरेट हुआ और बीच में सब्जेक्ट आया। विल बी यू हैप्पी नहीं बोल सकते, तो दो वर्ड वाले वर्ड्स में बीच में आता है जो भी आना है, विल यू बी हैप्पी। नेक्स्ट इज तुम क्यों खुश होगे, क्वेश्चन वर्ड आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर वर्ड विल, फिर सब्जेक्ट यू, और क्योंकि वर्ड को हमने सेपरेट किया था तो ये आएगा बी, फिर हैप्पी। वाई विल यू बी हैप्पी, तुम खुश क्यों होगे। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं, इसमें कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो की जा रही है। ठीक है, ये आपने पैटर्न समझ लिया बहुत ही अच्छे से कि क्या स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। ऐसे स्ट्रक्चर आगे भी होंगे, बस उसमें मेन वर्ब ऐड होगा और यही सभी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। तो थोड़ा सा आपको फॉर्म्स वगैरह भी याद करना पड़ेगा। कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप बड़ी ही आसानी से सीख पाएंगे। बस आपको करना यह है कि 1 बाय 1 लेसन्स को देखना है। उसमें क्या है कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। तो आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ऐसे सिंपल सेंटेंसेस ढेरों बनाइए, लिखने में भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हो सके तो बोलिए। अपने घर में जो भी सिंपल बातें आप बोल रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस यूज करने की जरूरत पड़े तो आप ये सेंटेंसेस बोलिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप इस स्ट्रक्चर को, इस लेसन को कभी नहीं भूलेंगे। बार बार आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के लेसन आपने खूब एंजॉय किया और अब से आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या आपने सीखा। आज आपने सीखा टेंस। टेंस होता है काल। टेंस होते हैं 3 तरीके के 3, जिसमें कि नाम है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद इन तीनों में भी 4-4 टाइप्स होते हैं, जो कि हैं इनडेफिनिट या फिर सिंपल बोलते हैं, दूसरा है कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव बोलते हैं, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये आपने 4 सीखे। इनके अंदर 4-4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से 4-4 सेंटेंसेस। और उसके बाद आपने सिंपल सेंटेंसेस सीखे, सिंपल जिसमें कि कोई क्रिया नहीं हो रही होती। तो सिर्फ और सिर्फ इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी की मदद से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। गाइस, फिर मिलूंगी आपसे डे 17 में, जहां आप सीखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में डिटेल में। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद आने वाले के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। बाय फॉर नाउ।